तो आज सुप्रीम कोर्ट में आरए कॉलोनी मैटर में एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट हियरिंग हुआ था। तो आपको पता होगा कि ये पूरा आरए कॉलोनी का जो डिबेट चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि कुछ 2600 पेड़ को काटने के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक परमिशन पूछा था बीएमसी से। बीएमसी ने बोला था कि आप यहाँ पे पेड़ काट सकते हो एक मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। तो इसलिए कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटिशन्स फाइल किए गए थे इसके बारे में बोलने के लिए कि ये गलत है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए यहाँ पे कोई पेड़ काटने का कुछ नहीं होना चाहिए। ये पिटिशन्स को फ्राइडे 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसमिस किए थे। तो उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे, जो एक्टिविस्ट है, उनको उनके वो चौंके थे, क्योंकि उसी रात को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वहाँ पे पहुँच गए थे वहाँ पे ये पेड़ काटने के लिए। और कुछ पिछले 2 दिनों में कुछ 2000 के करीब पेड़ को काटे गए हैं। तो कल संडे को कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने, जो ऋषभ रंजन एक लॉ स्टूडेंट है और उसने कुछ और स्टूडेंट्स ने जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर दिया था बोल के कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, इसको जल्द से जल्दी सुनना चाहिए। सीजीआई ने एक वेकेशन बेंच को अपॉइंट किया इस मैटर को सुनने के लिए। तो आज सुबह 10 बजे वहाँ पे हियरिंग चल रहा था, वहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट है, वो आके आर्ग्यू करने वाले थे, करने आए थे। और जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो पिटिशनर्स थे, जैसे जोरू बतेना जो एक एक्टिविस्ट है, अमृता भट्टाचार्जी, स्टालिनडी, ये जो वहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू से इस मामले के बारे में आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और पिटिशन लगाए, वो भी आए थे कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपील फाइल किया हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो वो आज बात ऐसे चल रहा था कि उनके कोर्ट ने पूछा यहाँ पे कुछ क्या कोई डॉक्यूमेंट है दिखाने के लिए कि ये इको सेंसिटिव जोन है, कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे पेड़ को काटना नहीं जाना चाहिए। तो जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, गवर्नमेंट ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे कोर्ट को। कोर्ट ने फिर बोला कि यहाँ पे इस मैटर को उनको डिटेल में सुनना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, देखना उनको यहाँ पे जजमेंट करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या इस यहाँ पे ये पूरा क्लासिफाइड जोन है सेंसिटिव की जगह और एक रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जगह की तरह। तो ये अब फॉरेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो है उस ये फॉरेस्ट बेंच इस मैटर को अब 21 अक्टूबर को सुनेंगे। बीच में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्ट ने बोला कि जो स्टेटस को है उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए, कि देखो और कोई पेड़ नहीं काटने चाहिए वहाँ पे। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है, जो आज मुंबई अथॉरिटीज़ के लिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो भी पेड़ काटने थे वो अब सब काटे गए हैं, अब और कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कोर्ट ने फिर से बोला कि देखो कोई और पेड़ नहीं काटना चाहिए और यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था कि देखो जो भी अभी तक कोई किसी भी प्रोटेस्टर को अभी डिटेन किए गए, क्योंकि काफ़ी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे जब ये पेड़ काटने लगे थे, वहाँ पे वो एक्टिविस्ट थे, प्रोटेस्टर्स ने जाके धरना लगाए थे, उन्होंने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए, उनको पुलिस ने उठा के काफ़ी लोग को डिटेन किया गया था, कुछ 29 लोग को डिटेन करके उनको अभी बेल मिला है। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि किसी को अगर अभी तक जिसको किसी को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनमें से किसी को भी जो अभी तक नहीं रिलीज़ किए गए उनको बॉम्बे की अथॉरिटीज़ जो पुलिस है उनको अभी जल्द से जल्द उनको रिलीज़ करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। जो भी सब अपडेट्स है इस मैटर में 21 अक्टूबर को जब ये कोर्ट में फिर से सुना जाएगा और उसके बीच में भी जो भी होने वाला है, क्विंट को फॉलो करते रहिए, हम आपको सब अपडेट्स देते हैं।